हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका ये 12th क्लास का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, जिसमें कि आपको दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वन अपॉन एक्स स्क्वेयर वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस में। यही एक टर्म है जो बार बार रिपीट होता गया है, जो कि 2012 में आपको पूछा गया और 2014 में भी आपको पूछा गया है। ये यूपी बोर्ड के 12th क्लास के एग्जामिनेशन में है। तो देख लेते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहला जो टर्म होगा हमारा वो ये रहेगा कि ये जो पार्ट है इसमें एक्स स्क्वेयर वाले को, इसको हमें वाई मानना होगा, क्योंकि यही पार्ट वो है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है तो यहाँ पर वन से रिपीट तो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इस वाले पार्ट को छोड़ देंगे और नीचे वाले सारे पार्ट को वन मान लेंगे। तो मैं यहाँ करने वाला हूँ लेट एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर, इस पूरी कैटेगरी को मैं क्या मान ले रहा हूँ, आपका वाई मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ, वाई मान ले रहा हूँ। ओके, तो यह मैं इसे वाई मान लूँगा। ओके, इसे मैं वाई मान लूँगा तो ये वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वन अपॉन प्लस में, यहाँ पर क्या है प्लस में वन अपॉन वाई मिलेगा। क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। ओके, देख लेते हैं y इज इक्वल टू यहाँ पर जो वैल्यू मिली वो एक्स स्क्वेयर प्लस, जब मैं इसे ऊपर ले लूँगा तो ये वैल्यू जो होगी वो इन्वर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इन्वर्स। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन जब आप इसका करेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। ओके, तो डिफरेंशिएशन किया तो ये होगा dy अपॉन dx, ये होगा dy अपॉन dx, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो 2x मिलेगी, और यहाँ पर जो मिला वो रहेगा माइनस आगे वन टाइम और ये माइनस पीछे, और यहाँ पर dy अपॉन dx रहेगा। क्या रहेगा, dy अपॉन dx रहेगा। क्लियर जी, बिल्कुल। देखें अभी आपने क्या किया, इसको जिस तरीके से है उसे एक्सपेंड करना है, बस क्वेश्चन हो जाएगा। 2x यहाँ पर होगा, माइनस ये वन अपॉन वाई स्क्वेयर हो जाएगा, और यहाँ पर होगा dy अपॉन dx हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल सर। अब आपने करना ये है कि dy वाले पार्ट जो हैं वो एक पास रख लेने हैं, यानी dy अपॉन dx यहाँ हो जाएगा प्लस वन अपॉन वाई स्क्वेयर हो जाएगा, और यहाँ पर होगा dy अपॉन dx हो जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 2x। क्लियर, तो मैंने क्या किया dy अपॉन dx को कॉमन ले लिया, बिकॉज कि मुझे dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए। ओके, यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने कर दिया है, और यहाँ पर मिलेगा आपको 2x। मैंने क्या किया dy अपॉन dx यहाँ लिखा, और इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यानी कि एलसीएम लेकर आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वेयर कर सकते हैं। क्लियर, ये इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ होगा 2x। ओके, dy अपॉन dx जब आपने किया तो देन इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा 2x वाई स्क्वेयर, यानी कि ये वाई यहाँ आ जाएगा अपॉन ये वाला वैल्यू जो है इसके डाउन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस वन। और यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था, जो कि यूपी बोर्ड में 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लिखिए बच्चे और इसे प्रैक्टिस करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके के आप क्वेश्चन हमारे चैनल पर पा सकते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको 24 आवर्स के बाद मिल जाएगा हमारे ही चैनल पर। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू फॉर की वॉच।